नमस्कारम। आज हमारी चर्चा का विषय है कि हमारे विद्यार्थियों का जीवन कैसा होना चाहिए, उनकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, कैसे वो अपनी योग्यताओं का सही से प्रयोग करते हुए अपने अभीष्ट लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सर्वप्रथम, यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगती है और यदि आप चाहते हैं कि अन्य विद्यार्थियों के जीवन में भी समुचित परिवर्तन आए, तो इस वीडियो को अन्य बिंदुओं तक भी साझा अवश्य करें, कि क्योंकि यदि इन बिंदुओं की तरफ एक विद्यार्थी ध्यान दे लेता है और इनको अपने जीवन में अवतरित कर लेता है, तो निश्चित रूप से उसे उसके अभीष्ट लक्ष्य तक पहुँचने में कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हाँ, इनको अपने जीवन में लाना, इनको समझना, ये बड़ा ही आवश्यक है। और मैं कहूँगा कि ये जो आपका जीवन है, ये जो विद्यार्थी जीवन है, ये एक तपस्या है। ये मात्र ऐसा नहीं है कि आप किसी भी प्रकार से भोग करते हुए, किसी भी प्रकार से आप बेतरतीब जीवन को जीते हुए इस समय को सही से प्रयोग कर सकते हैं। ये समय तो नींव है। यदि आप इसको ठीक प्रकार से जी लेते हैं, तो आगे का पूरा जीवन आपका आनंद में व्यतीत होगा। आपके संस्कार, आपके विचार, आपके भाव यदि एक बार इस समय में सज जाते हैं, तो जीवन पर्यंत आपके वो सधे हुए भाव आपको लाभ देते रहेंगे, आपके जीवन की व्यवस्था को बनाए रखेंगे। तो यदि इस वीडियो में बताए गए बिंदुओं के अलावा भी आपके कोई प्रश्न होते हैं, तो आप उन्हें इंस्टाग्राम पर भी साझा कर सकते हैं। मैं समय की उपयुक्तता के अनुसार उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। साथ ही साथ आप इंस्टाग्राम पर जुड़ेंगे तो आपको अध्यात्म से संबंधित और हमारी भारतीय संस्कृति से संबंधित भी अनेक प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त होती रहेंगी। मैं वहाँ पर अनेक विषयों पर चर्चा करता रहता हूँ। तो आज के इस विषय को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले जो मेरा सुझाव है मेरे विद्यार्थियों के लिए, वो यही है कि प्रातःकालीन जागरण। मैंने अनेक ऐसे बंधुओं को चर्चा करते हुए देखा है कि प्रातःकाल बहुत अधिक जल्दी उठने से कोई लाभ नहीं है। आप देर तक भी सो सकते हैं, आप रात को देर तक पढ़ सकते हैं, जैसे मर्जी पढ़ सकते हैं। वो बात अगर मैं अपने अनुभव के आधार पर कहूँ और मैं शास्त्र सम्मत कहूँ, तो हम ब्रह्म मुहूर्त के जो उपयोगिता है, सुबह प्रातःकाल जल्दी उठने की जो उपयोगिता है, उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ब्रह्म मुहूर्त के विषय में मैंने इससे पूर्व भी एक वीडियो बनाई है, आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उस जानकारी को प्राप्त करें। साथ ही जो भी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी वीडियोज हो सकती हैं, उनको मैं आई बटन पे डिस्क्रिप्शन में अवश्य दूंगा, क्योंकि मैंने ऐसे कुछ बिंदुओं पर चर्चा की है जिनको यदि एक विद्यार्थी अपने जीवन में धारण करे, समझे, तो मैं ये निश्चित रूप से कह सकता हूं कि वो भविष्य में एक अति प्रतिभाशाली व्यक्ति अवश्य बनेगा। वो कुछ ना कुछ परिवर्तन समाज में जरूर लेकर के आएगा, और किसी भी प्रकार की गलत आदत में वो पड़ जाए ऐसा तो संभव ही नहीं है। लेकिन इन बातों को मन से स्वीकार और मन से अनुभव करने की जरूरत होती है। तो सबसे पहले बिंदु पर बात करता हूं अधिक समय व्यय न करते हुए, और वो है प्रातःकालीन जागरण। तो आपको 7 घंटे की नींद अपनी लेनी है, 6 से 7 घंटे के मध्य की नींद रहनी चाहिए एक विद्यार्थी की। जो एक सामान्य व्यक्ति है जो इस प्रकार के मस्तिष्क से संबंधित अधिक कार्य नहीं करता है, उसकी नींद यदि कम भी होती है तो वो भी चलेगी। लेकिन विद्यार्थी जीवन में नींद का विशेष ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। तो 7 घंटे की नींद आप अपनी पूरी करेंगे, साथ ही साथ ब्रह्म मुहूर्त में उठने के ऐसे भी कुछ लाभ हैं जो कि मेरे बंधुओं की, नवयुवकों की अनेक प्रश्न रहते हैं कि हमें इस प्रकार की एक समस्याएं हैं जो हमारे विचारों की वजह से या गलत तरीके से जीवन व्यतीत करने की वजह से आज हम उनको अनुभव कर रहे हैं, वो भी काफी हद तक कम होती हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठने से। तो प्रातःकालीन जागरण पे विशेष ध्यान दें। जो दूसरा बिंदु है जिसकी तरफ एक विद्यार्थी को ध्यान देना चाहिए, वो भोजन है। वो भोजन पूरे दिन में क्या कर रहा है, इसकी तरफ भी ध्यान दे। ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठाया और खा लिया। हाँ, हालांकि इस समय पर एक उदर भी हमारा पूरा एक्टिव रहता है, जठराग्नि प्रदीप्त रहती है, तो शरीर में कोई समस्या तो नहीं होती है। लेकिन फिर भी एक लंबे समय तक अगर आप निरंतर ऐसा भोजन करते हैं, तो शरीर में प्रमाद बढ़ता है, आलस्य बढ़ता है, कफ बढ़ता है, और शरीर स्थूल हो जाता है, जिससे कि आप एक्टिव नहीं रहते हैं। और हमारे शास्त्रों में तो कहा गया है स्वान निद्रा, यानी कि कुत्ते जैसी उसकी नींद होनी चाहिए, वो एक्टिव इतना होना चाहिए कि हल्की सी आहट पे उठ जाए। और ऐसे अनेक विद्यार्थी हैं जो कहते हैं कि हम प्रातःकाल उठ ही नहीं पाते, अलार्म भी लगाते हैं, उठ भी जाते हैं, लेकिन फिर से सो जाते हैं। ऐसा कैसे हो रहा है? क्योंकि शरीर में कफ बढ़ गया, शरीर में जड़ता आ गई है। प्रातःकालीन उठने के लिए एक वीडियो मैंने पूर्व बनाया था, उसका लिंक भी आपको प्राप्त होगा, वह भी देखें, जो प्रातःकाल उठने में जिनको सुविधा होती है, उन बंधुओं के लिए। इससे आगे बढ़ते हुए
आप अपने पूरे दिन को निर्धारित करें, जो जो विषय आपके अच्छे हैं जिनमें आप अच्छे से पढ़ पाते हैं उनको आप थोड़ा कम समय, और जिनको नहीं आप सही से पढ़ पाते उनके लिए अधिक समय निकालें और उनको निरंतर 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 उनका अभ्यास करें। मैंने देखा है कि बंधु बहुत सारे ऐसे होते हैं जो विषय उनको अच्छे लगते हैं, प्रिय होते हैं, उनको बहुत अधिक उनमें समय देते हैं, और जो अच्छे नहीं लगते हैं उनकी तरफ विशेष ध्यान नहीं देते तो वो और कमज़ोर 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 होते जाते हैं। तो जहाँ कमज़ोरी है वहीं पर आपको अधिक बल लगाना है, वहीं पर आपको अधिक कार्य करना है, इसकी तरफ विशेष ध्यान देना है। तो उसको प्लान कर ले पूरे दिन को, और यही नहीं कि मुझे क्या क्या पढ़ना है, ये भी कि मुझे पूरे दिन को ऐसे जीना है जिससे कि समय का प्रबंधन हो, क्योंकि समय ही हमारे पास एक ऐसी कुंजी है जिससे कि कुछ भी जीवन में हमारे घटित हो रहा है या होगा उस समय के प्रबंधन से ही होगा। सबके पास वही समय है, उसी समय को व्यक्ति अलग अलग तरह से प्रयोग करता है। ऐसे बहुत बंधु हैं जो कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, समय नहीं है, प्रलाप करते हैं, लेकिन फिर भी वो गलत तरह से और गलत कामों में अपने समय को व्यय करते रहते हैं। दूसरों के साथ बात करना, अनावश्यक बातें करना, इधर उधर घूमते रहना, इस तरह के कामों की इस समय पे ज़रूरत नहीं है। ये समय आएगा जब आप घूम फिर सकेंगे, दूसरे अपने परिवार के जनों के साथ अधिक समय व्यतीत कर सकेंगे, लेकिन अभी सीमित करते हुए आपकी सभी इच्छाओं को और आपकी सभी आवश्यकताओं को केवल केंद्रित करना है एक लक्ष्य पर। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि अपने जीवन को आपको निरस कर देना है। आप स्पोर्ट्स में, एक्टिविटीज़ में जो भी भाग लेते हैं, व्यायाम इत्यादि भी आप करें, आप अपने परिवार के साथ समय भी व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन बहुत नपातुला समय, क्योंकि समय का प्रबंधन अगर आपने सीख लिया, आप अपने जीवन में इतना कुछ कर सकेंगे इसी समय में, इसी 24 घंटे में आप वो कुछ कर सकेंगे और आपके पास फिर भी समय होगा। अगर प्रबंधन ठीक नहीं है तो आप छोटे 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 10-10, 15-15 मिनट अपनी व्यय करते रहेंगे और आप देखेंगे कि पूरा समय ऐसे ही चला जाता है। बड़ी सजगता से समय को देखना होता है, इसको अमूल्य मानना होता है। इससे आगे बढ़ेंगे तो सादगी आपके जीवन में होनी चाहिए। आप देखेंगे कि विद्यार्थी जीवन में ही सबसे ज़्यादा चमक धमक की ओर एक ध्यान रहता है, क्योंकि अभी ऊर्जा है, वो ऊर्जा गलत दिशा में भी प्रवाहित होती है और फिर वो आकर्षण हमें बहुत सारे ऐसे कार्य कराता है हमसे जिसकी आवश्यकता भी नहीं है और जो हमारे लिए गलत भी है, तो वो आकर्षण फिर हमें कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट कर देता है। तो अपने आप को थोड़ा सादा रखें, ऐसे कपड़े और उन सब चीज़ों की तरफ ध्यान रखना, कैसा मैं दिख रहा हूँ, क्या मैं कैसे चल रहा हूँ, लोग मुझे कितना पसंद कर रहे हैं, मेरे बारे में लोग क्या सोचते हैं, इन बातों की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आपकी योग्यताएं जब विकसित होंगी तो आपके बारे में सभी अच्छा ही सोचेंगे, आपके विपक्षी भी होंगे, चाहे कुछ भी आपके बारे में नकारात्मक भाव रखते हैं, लेकिन मन में उनके यही होगा कि हाँ, इस व्यक्ति में कुछ अलग बात है, क्योंकि ये अलग तरीके से जीवन जीता है, इसने अपने आप को एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व की रूप में भी ढाला है और ये हर चीज़ के बारे में जानकारी रखता है, अपने विषय की भी और जो जीवन में नैतिक मूल्य हैं उनके विषय में भी ये सोचता है, तो इसमें कुछ भिन्न है, वो आदर्श बनेगा आपका। उससे आगे बढ़ते हुए अगर मैं बात करूँ तो विचार कैसे होने चाहिए, क्योंकि जैसे विचार होंगे, अगर नकारात्मकता आ गई ना एक बार जीवन में, तो आप कितना पढ़ते रहें, कितनी मेहनत करते रहें, वो आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। तो अपने आप को इतना आत्मविश्वास से युक्त बनाएं कि आप ये समझें कि जितनी भी कुछ संभावनाएं हैं वो सब में समान रूप से दी हैं ईश्वर ने, बस कौन कितना उन्हें समझता है उसके आधार पर ही ये जीवन चलता है। और जितनी आपकी आपके विषय में समझ बढ़ती रहेगी उतना ही आपका आत्मविश्वास बढ़ता रहेगा। ये बहुत बहुत ज़रूरी बात है। कोई व्यक्ति आपसे पूछता है कि मैं आत्मविश्वास कैसे बढ़ाऊं, तो ऐसे बहुत सारे उसे सजेशन मिल जाएंगे कि वो क्लास ज्वाइन कर लो, ये क्लास, वो लोग बताते हैं कि आपका आत्मविश्वास कैसे बढ़ेगा। नहीं, आपका आत्मविश्वास आपके स्वयं के पुरुषार्थ परिश्रम से बढ़ेगा। अगर आप मुझसे कहें कि आप योग के विषय में कुछ बताएं, और अगर मुझे योग के विषय में जानकारी नहीं है, मुझे अध्यात्म के विषय में जानकारी नहीं है, तो मैं कहीं ना कहीं संकुचा जाऊंगा, मैं अपनी आपके बात को बदलने की कोशिश करूंगा, मैं उस बात से हटने की कोशिश करूंगा। लेकिन यदि मैंने अपने ऊपर कार्य किया, यदि मैंने योग को समझाया, अध्यात्म को समझाया, तो मैं पूर्ण आत्मविश्वास के साथ आपसे उस चीज़ का उत्तर दूंगा। अपने विवेक का प्रयोग करते हुए भी और नई चीज़ें वहाँ से निकालने की कोशिश करूंगा। तो क्यों? क्योंकि मैंने अपने आप को समय दिया, मैंने योग को समय दिया, तो आत्मविश्वास अपने आप बढ़ गया। तो आप जैसे जैसे अपने ज्ञान के स्तर को बढ़ाएंगे, वैसे वैसे आपके आत्मविश्वास का स्तर भी निश्चित रूप से बढ़ता जाएगा। तो आत्मविश्वास बढ़ाना है तो बुद्धि, समझ, विवेक और अपनी जानकारियों को बढ़ाएं। इतना करने से आप आत्मविश्वास से युक्त हो जाएंगे। निर्धारित लक्ष्य आपके पास एक निश्चित रूप से होना चाहिए। अगर लक्ष्य नहीं है तो फिर इसी प्रकार से होता है जैसे एक बड़े विशाल काय आप
जहाज को पानी में छोड़ दें, उसके अंदर ईंधन भी है, उसमें बहुत अच्छा इंजन भी है, उसमें सब कुछ व्यवस्थाएं हैं, उसमें केवल अगर एक चीज़ नहीं है तो उसको चलाने वाला पायलट नहीं है, उसको ये नहीं पता है कि कहाँ जाना है। अंततोगत्वा जितनी भी क्षमताएं हों, बाद में जा करके वो इधर उधर टकराएगा और वो डूब जाएगा, क्योंकि उसके पास एक लक्ष्य निर्धारित नहीं था, वो आगे किस दिशा में बढ़े ये उसे पता नहीं था। तो एक लक्ष्य अगर होगा, और लक्ष्य भी एक, यह कोई बात नहीं है कि आज व्यक्ति देखता है कि मेरे पड़ोसी ने डॉक्टरी में अच्छा कर लिया, वो डॉक्टर बन गया, अच्छा काम है, मैं भी यही कर लेता हूँ। एक वकील बन जाता है तो मैं भी वकील बन जाता हूँ। एक कोई अन्य व्यक्ति बिजनेस अच्छा करने लगता है तो मैं भी बिजनेस ही कर लेता हूँ। ऐसी विचारधारा ठीक नहीं है। आपको अपने लिए अपनी क्षमताओं को समझना, अपनी रुचि को समझना पड़ेगा, आपका प्रेम कहाँ पर है, ऐसे समझ करके जब आप उस कार्य को करेंगे तब आपको समुचित उसके फल प्राप्त होंगे। तो आपका लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए, आपकी दिनचर्या पूरी तरह से व्यवस्थित होनी चाहिए। संध्या में आपको देखना है कि आज क्या क्या हमने कार्य निर्धारित किए थे, वो क्या क्या उनमें से हो गए हैं, और कुछ नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है। इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान दें, समय को पूरी तरह से एक व्यवस्थित ढंग से बचाते हुए जब आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत कुछ इसी समय से आप समय में आप कर रहे हैं, इसी समय अवधि में। इससे आगे थोड़ी और बात करूं तो ब्रह्मचर्य बड़ा ही ज़रूरी है, क्योंकि ब्रह्मचर्य इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आपको बहुत ज़्यादा कोई डिस्ट्रैक्ट कर रही है चीज़, तो वो वही है कि विपरीत लिंग के प्रति आपका आकर्षण, लड़की को लड़के में आकर्षण है, लड़के को लड़की में आकर्षण है, वो एक दूसरे को प्रभावित करने के लिए पहनता है जैसे भी वस्त्र पहनता है, जो भी वो अच्छे अच्छे वाहन चाहिए उसे, क्यों अधिकांश यही हो रहा है कि हम दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करें। ऐसे मैंने बहुत सारे व्यक्ति कहते हुए देखे हैं कि ये वाहन या फिर ये कपड़े ऐसे लेंगे, शादी में जाना है तो वहाँ पे इम्प्रेशन होगा ऐसा इत्यादि इत्यादि। तो वो क्यों हो रहा है, किसको प्रभावित कर रहे हैं, वो विपरीत लिंग को प्रभावित कर रहे हैं। क्योंकि जब लड़के लड़के आपस में या फिर लड़कियाँ लड़के आपस में रहती हैं तो वो मैंने मेरा अनुभव यही कहता है कि जितना भी मैंने थोड़ा बहुत देखा है कि वो सादगी में ऐसे ही रहती हैं, लेकिन जैसे ही वो दूसरे लिंग के प्रति वो आकर्षण होता है तो वो पूरी अपनी क्षमता लगा देती हैं कि मुझे ऐसा दिखना है, मुझे ऐसे प्रभावित करना है। अब वो ऊर्जा जो आपके जीवन की नींव बनाने में लगनी चाहिए थी, वो लग रही है कहाँ पे, आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं। तो इस चीज़ से आपको बचना है और अपने लक्ष्य की तरफ एकाग्रता से बढ़ना है, ये आपके लिए परम हितकारी सिद्ध होगा। तो जीवन में सादगी और ब्रह्मचर्य अपने अपनाएंगे तो बड़ा ही आपके लिए उत्तम है, क्योंकि ये ब्रह्मचर्य आश्रम ही है। इस आश्रम को ब्रह्मचर्य, जिस समय से आप गुजर रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं, कोई अपनी ग्रेजुएशन कर रहा है, कोई अपनी 11th 10th कर रहा है, जो भी आप जिस भी स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, या फिर कोई UPSC इत्यादि की तैयारी कर रहा है, किसी जॉब को प्राप्त करना चाहता है, तो जो भी आप कर रहे हैं इस आश्रम को समझिए कि ब्रह्मचर्य आश्रम है। इसमें केवल साधना का, तप का समय है ये मेरा। शास्त्रों में कहा गया है कि तपोद्वंद सहनम, के जीवन में जो आकर्षण, जीवन में जो प्रलोभन आते हैं उनसे बचते हुए, हर मुश्किल का सामना करते हुए जो आगे बढ़ता है वो तप है। तप को ये नहीं है कि चारों तरफ आग लगा करके बैठ जाए, पूरे शरीर को व्यक्ति जला ले, लेकिन मन से वो भाव न जले। भगवान कहते हैं गीता में कि रसवर्जम रसो अप्यश्य परम दृष्टवा निवर्तते, कि जो योगी होता है उसके मन से तो भाव ही तिरोहित हो जाते हैं कि मुझे ऐसा करना है, ऐसा दिखना है, वो सात्विक हो जाता है पूरी तरह से, वो धर्म में हो जाता है, वो ईश्वर के समीप हो जाता है, वो फिर बहुत अधिक कुछ विशाल कर सकता है। आप देखेंगे कि जो विद्वान हुए हैं उन्होंने, एक एक विद्वान ने पूरे देश को हिला दिया, उसमें एक एक विद्वान ने ऐसा परिवर्तन कर दिया। शंकराचार्य जैसे विद्वान, महर्षि देव दयानंद सरस्वती जैसे विद्वान, ऐसे विद्वान हुए हैं जिन्होंने, जिनकी वजह से हम यहाँ पे बैठे हैं और अपना अस्तित्व हम एक अनुभव सुरक्षित महसूस करते हैं, वो उनकी वजह से ही। कारण क्या है, क्योंकि वो एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व लिए हुए थे, उनके पास वो ऊर्जा थी, ईश्वर का सानिध्य था, ईश्वर से प्रेम था। और जब उस सर्वोच्च सत्ता से आप जुड़ जाते हैं तो देखें, आपको लगे कि मैं उस परमपिता का पुत्र हूं, तो कितना आत्मविश्वास, कैसा जीवन हो जाएगा। आप देखेंगे कि अगर आपके पिता योग्य होते हैं, सक्षम होते हैं, धनी होते हैं, तो पुत्र का आत्मविश्वास बढ़ा रहता है। लेकिन जिनके सामने सब धनी भी खाक हैं, धूल के कण के बराबर हैं, उनके पुत्र आप स्वयं को अनुभव करेंगे तो कैसा जीवन हो जाएगा आपका, ऐसा अनुभव करें। और आगे थोड़ा सा और बढ़ते हुए अगर मैं बात करूं तो बड़ा सुंदर एक मार्गदर्शन आता है शास्त्र में कि काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथेव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम, के ये विद्यार्थी के 5 लक्षण होने चाहिए। काक चेष्टा, उसमें कोवे जैसी चेष्टा होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। जैसा कोवा सचेत रहता है, आपकी नज़र इधर उधर नहीं हुई, वो अपने लक्ष्य को ग्रहण कर लेता है, उसको अपने अधीन कर लेता है, कोई रोटी का टुकड़ा या कुछ भी खाद्य पदार्थ, तो वो
चेष्टा यानी कि उसकी एकाग्रता बहुत ज्यादा है, वो सचेत है। काक चेष्टा बको ध्यानम बुगले, जैसा ध्यान होना चाहिए कि बुगला एक पैर पे खड़ा रहेगा और जैसे ही कोई छोटी मोटी मछली आएंगी उनकी तरफ ध्यान नहीं देगा, बड़ी मछली जैसे ही आएगी तो उसको एकदम से पकड़ लेगा। बको ध्यानम स्वान निद्रा, कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए, ये नहीं है कि आलस्य में पड़े हैं, एकदम सचेत रहें। बको ध्यानम स्वान निद्रा तथेव च, अल्पहारी कम भोजन ग्रहण करने वाला होना चाहिए विद्यार्थी, उसके शरीर में हल्कापन रहना चाहिए। अल्पहारी गृह त्यागी, अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाकर के कार्य करने वाला होना चाहिए। उसे सुविधाएं नहीं चाहिए, उसे चाहिए कि उसकी योग्यताओं का विकास और उसके अभिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति, उसके जीवन की नींव जो वो बना रहा है वो कैसे सुंदर और बेहतर बन सकती है। ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम, जिस विद्यार्थी में पांच लक्षण होंगे वो सदा जीवन में आगे बढ़ेगा। और मैंने जो बिंदु दर बिंदु आपसे कुछ चीज़ों पर आज चर्चा की है, अगर आप इन चीज़ों को जीवन में ले आते हैं तो आप निश्चित रूप से कुछ एक विशेष करने वाले, कुछ समाज में अच्छा योगदान देने वाले, प्रचंड योग्यताओं के धनी और एक एकाग्र और सुखी व्यक्ति और विद्यार्थी होंगे। निश्चित रूप से आपके जीवन में बहुत सुंदर परिवर्तन आ सकते हैं। यदि जानकारियाँ आपको उपयोगी लगी हो तो निश्चित रूप से आप दूसरे बंधुओं के साथ भी साझा कर सकते हैं। मैं निरंतर आपके मंगल की कामना करता हूँ। साथ में बने रहने के लिए, वीडियोज़ को अग्रेषित करने के लिए, सकारात्मक प्रतिक्रिया निरंतर प्रदान करते रहने के लिए आप सभी के प्रति प्रेम, सभी के मंगल की कामना करता हूँ। आज के लिए इतना ही। ओम नमः।